कल से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन का ये निर्णय बहुत ज़रूरी था। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते और अगर ये महामारी बहुत बुरी तरह से पूरे देश में फैल जाती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पूरे देश में हो सकती थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5 नए केस आए हैं, जिसमें से एक केस फॉरेन से आए हुए व्यक्ति का है और बाकी 4 केसेस जो हैं वो दिल्ली उन्हीं के आसपास के परिवार के लोगों के संक्रमित हैं। तो टोटल दिल्ली में अब 35 केस हो गए हैं। अब इसको किसी भी तरह से अपने को बढ़ने नहीं देना, ये बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में एक तरफ तो अपने को घर में रहना है और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि हम आपको जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको मुहैया आसानी से होती रहें, उसमें आपको कोई तकलीफ़ ना आए, किसी तरह की तकलीफ़ ना आए। तो एक तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनती कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये सब लोग इसका अच्छे से पालन करें, घर से कोई बाहर ना निकले। जब तक बहुत ज़्यादा केवल सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, केवल इस चीज़ के लिए अपने पड़ोस के अंदर जो भी दुकान है वहाँ तक अगर जाना हो तो जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर कोई ना निकले। अब एसेंशियल सर्विसेज को चलते रहने के लिए उनको हमने पास देने का अरेंजमेंट किया है। वो पास कैसे ले सकते हैं, सुबह मैंने इसके बारे में सारा तरकीब से बताया था, मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। जो जो सरकारी सेवाएं हैं, बिजली है, पानी है, इस तरह की जो जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड होंगे। सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग जो कई ठेके पे काम करने वाले मजदूर हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास सरकारी आईडी नहीं है, उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी। तो जिनके पास सरकारी आईडी हैं वो अपना आईडी दिखाएंगे, रास्ते में कहीं भी अगर पुलिस मांगती है उनको अलाउ कर दिया जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जो मीडिया वाले हैं उनके पास अपने मीडिया के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जिन लोगों के पास अपने आईडी नहीं है, चाहे वो सरकारी विभाग में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हों, चाहे वो दूसरे प्राइवेट जैसे दूध देने का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, मंडी में सब्जी लाने का काम करता है, किसान है जो मंडी के अंदर सब्जी ले जाने का काम करता है, दवाइयों की दुकान वाला है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 5 किस्म की मोटे मोटे तौर पे एसेंशियल सर्विसेज निकल के आती हैं। दूध, सब्जी, राशन की दुकान इन द सेंस जो किराने की दुकान अपने इलाके में होती है, किराने की दुकान, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये, और दवाइयों का सामान। इन 5 चीज़ों से संबंधित दुकानें या ट्रांसपोर्ट करने का सारी व्यवस्था या मैन्युफैक्चर करने की व्यवस्था या उनको स्टोर करने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में आएंगी। और ये सारी एसेंशियल सर्विसेज हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छे से चलती रहें, तो इसके लिए इन सारे लोगों को पास की ज़रूरत है। जो लोग भी इन सारी एसेंशियल सर्विसेज के मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, स्टोरेज में लगे हुए हैं, वेयर हाउसेज में लगे हुए हैं और दुकानों में लगे हुए हैं, उन सब लोगों के लिए हम पासेस देंगे। तो जिन लोग जो जिन जिन के पास आईडी हैं वो आईडी इस्तेमाल करें, जिनके पास आईडी नहीं है उनको हम ई पास देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर है 1031। 1031 पे आप फ़ोन करके, आपको बता दिया जाएगा, फ़ोन करके बताएंगे कि आप क्या सर्विस देते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि आपको ई पास कैसे मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, मुझे पता है कि जैसे ही मैंने अभी ये नंबर अनाउंस किया इस पर बहुत सारे कॉल आने लगेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ई पास मुहैया कराने की, ताकि आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। मेरी आपसे विनती है, 1031 जनरल हेल्पलाइन नंबर नहीं है,
इस पे जनरल फोन कॉल मत करिएगा, नहीं तो ये नंबर, इतने फोन कॉल अगर आने लगे तो ये नंबर ही जैम हो जाएगा। केवल वो एसेंशियल सर्विस वाले लोग, जो एसेंशियल सर्विस दूध देने का काम करता है, सब्जी देने का काम करता है, किराने की दुकान का काम करता है, रोजमर्रा की जरूरतों का, दवाइयों का, मास्क का, इन सब चीजों का जो काम करते हैं, केवल वही लोग अपना पास लेने के लिए इसके ऊपर फोन करें 1031 के ऊपर। बाकी लोग अभी फोन ना करें, मेरी आप सब लोगों से विनती है, ताकि सबको जल्दी से जल्दी हम। दूसरा एक बहुत जरूरी है कि जो लोग, ये तो था एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए, जो आम जनता है जिसे सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, किराने का सामान खरीदना है, उन लोगों को पास की जरूरत नहीं है। वो अपने आसपास, अपनी कॉलोनी के अंदर जो भी किराने की दुकान है, अपने घर से उतर के किराने की दुकान तक जाने के लिए आपको किसी पास की जरूरत नहीं है, वो आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, आप पैदल अगर अपने घर से बाहर निकल के अपनी आसपास की दुकान पे जाके सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप पैदल अपने वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। एक कल मैंने पढ़ा था, जगह जगह सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेज को कुछ इलाके के अंदर उनके मकान मालिक उनको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। उनका मकान मालिकों का कहना है कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज 24 घंटे कोरोना के मरीजों के बीच रहते हैं, तो इसलिए इनको कोरोना हो गया होगा, और अगर ये यहाँ रहेंगे तो मकान मालिक को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए उनको निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। उन मकान मालिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपके घर में किसी को, आपके बच्चे को कोरोना हो गया, तो ये डॉक्टर और नर्स ही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। तो इसीलिए ये ऐसा मत कीजिए। ये डॉक्टर और नर्स हमारे लिए भगवान का काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आप सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि हमें इनको सलाम करना चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सारे देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये लोग इन्फेक्ट हुए तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे, हम लोग इनको ठीक करेंगे। और अगर कोई मकान मालिक फिर भी नहीं माना तो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने कई जगह पे गरीबों के खाने की व्यवस्था की है। वैसे तो हम राशन के ज़रिए हर 72 लाख लोगों को, हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। हम 8.5 लाख परिवारों को 5,000 पेंशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके दायरे से फिर भी बाहर रह जाएंगे। ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोग होंगे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल खाने की भुखमरी के कगार पे हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफ कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी का शिकार हो जाएं। तो हम लोगों ने कई जगह दिल्ली के अंदर उनके लिए लंच और डिनर का इंतजाम किया हुआ है, उनको हम खाना खिलाते हैं। लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ रही है जो खाना खाने वालों की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर। अब कई स्थानों के ऊपर हम खाने का इंतजाम करेंगे, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे बताया गया कि अच्छे से पालन किया जा रहा है। लाइनों में जो लोग खड़े होकर खाना ले रहे हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम फॉलो कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज और देश साथ नहीं देता। मेरी आप सब लोगों से फिर से विनती है, ये बहुत पुण्य का काम है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर, पड़ोस की झुग्गी बस्ती के अंदर, पड़ोस की कच्ची कॉलोनी के अंदर, मैं इस इलाके की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यहाँ किसी को भूखे नहीं सोने दूंगा। और आप इंश्योर कीजिए कि सब लोगों को खाना मिले। जिन जिन लोगों को भगवान ने ज़िंदगी में कुछ दिया है, वो सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि भगवान ने हमें दूसरों के काम आने के लिए सब कुछ दिया है, ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद।